और एक फिलोसोफर ने तो इतनी अच्छी बात कही है कि जब आपके शरीर में कोई बीमारी होने लगती है ना, जब आपका शरीर बीमार लगने लगता है आपको, और आप हर दिन ये सोचते हैं कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, अब मैं अच्छा हो रहा हूं, तो आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है वो शरीर के साथ मिलकर आपको ठीक भी कर देता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। अच्छा, सबसे पहले तो ये न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दीजिए यार, कुछ दिनों के लिए। जरा आवाज़ कम करो न्यूज़ चैनल की, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, तो आप ही की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कोरोना की आज। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी कैसे पॉजिटिव रहें, ऐसी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 दिन के अंदर ही आपकी रिपोर्ट नेगेटिव हो जाएगी, मगर एक शर्त है। आप इतना उदास क्यों लग रहे हैं पहले मुझे ये बताइए, थोड़ा सा खुश हो जाइए यार। मानता हूँ थोड़ा सा चिंता का विषय है, मगर पूरी ज़िंदगी थोड़ी तबाह करनी है यार। आप अकेले शख्स ऐसे थोड़ी हो जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है पूरे विश्व में। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ठीक भी हो गए। और आपको याद है आपके मोटिवेशन के किस्से पूरे स्कूल में इतना मशहूर थे, आप खुद नहीं जानते यार। मैं खुद इतना मोटिवेट हुआ करता था आपको देखकर, और आज आप इतना उदास लग रहे हैं यार। किसने बोल दिया आपको कि आपका कोरोना ठीक नहीं होगा, मुझे बताइए। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, ये न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए यार। और इस थंबनेल को देखिए, वीडियो के थंबनेल को देखिए, ये लड़की कितनी शिद्दत के साथ खुश होकर मेकअप कर रही है। आप जानते हो इस लड़की को भी कोरोना है, मगर देखिए इस लड़की की शिद्दत को। मैं यही शिद्दत आपके अंदर देखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालिए। और डॉक्टर्स ने भी ये बोल दिया अब तो कि 90% पेशेंट 10 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएंगे, और आप तो 9 दिन के अंदर ही ठीक हो जाओगे, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। विश्वास करिए, ये जो टिप्स मैं बताने वाला हूँ ना, ये फॉलो करिए। बहुत छोटी सी वीडियो है, बस 3-4 टिप्स बताऊंगा आपको, ये फॉलो कर लीजिए और फिर देखना चमत्कार आपकी ज़िंदगी में कैसे होता है। चलिए फिर करते हैं शुरू। देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ ये होता है कि जब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, आपको बड़ा डर लगने लगता है, यार मेरी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गई, देश का माहौल तो बड़ा ख़राब चल रहा है, कहीं मेरे साथ ही कुछ ऐसा ना हो जाए, मैं अब कैसे ज़िंदा रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगा। ये सारी चीज़ें निकालिए अपने दिमाग से, कुछ भी नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताते बताते थक गया हूँ, न्यूज़ चैनल्स देखना बिल्कुल बंद करिए यार, कुछ दिनों के लिए। या ऐसी चीजें देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए जहां पे कोरोना की रिपोर्ट आ रही है कि इतने पेशेंट्स मर गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, बिल्कुल बंद करिए। बल्कि उनकी जगह आप पॉजिटिव चीजें देखिए, कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं आप, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं आप, बुक्स आप पढ़ सकते हैं आप, मूवीज देख सकते हैं जो आपको अच्छी लगती है, मोटिवेशनल मूवीज सर्च करिए और देखने लग जाइए, मोटिवेट रहिए। बस कहने का मतलब ये है, जब आप मोटिवेट रहेंगे ना तो कोरोना खुद भागने लगेगा। और एक फिलोसोफर ने तो इतनी अच्छी बात कही है कि जब आपके शरीर में कोई बीमारी होने लगती है ना, जब आपका शरीर बीमार लगने लगता है आपको, और आप हर दिन ये सोचते हैं कि अब मैं ठीक हो रहा हूँ, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ, तो आपका दिमाग इतना स्ट्रांग है वो शरीर के साथ मिलकर आपको ठीक भी कर देता है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। तीसरी चीज बता रहा हूँ पॉजिटिव रहने की, आप सॉन्ग्स सुन सकते हैं। अगर आपको कोई गाने अच्छे लगते हैं आप वो सुन सकते हैं। जब आप क्वारंटाइन होंगे ना, क्वारंटाइन होना बहुत ज़रूरी है, आप अपने घर के किसी ऐसे कोने में चले जाइए जहाँ पे आता जाता कोई नहीं है। अगर आप घर में खुलेआम ऐसे ही घूमेंगे तो आप दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मास्क लगाकर आपको रहना है, डबल मास्क लगाकर आपको रहना है। आप गाने सुन सकते हैं, आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन आपको अंदर से आएगा, सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में आप वो पढ़ सकते हैं। और आप वो तो आपको डॉक्टर ने बताया होगा, आप स्टीम लीजिए, गर्म पानी पीजिए। स्टीम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है आपको, सुबह दोपहर शाम को 3 बार 5-5 मिनट, बस इससे ज्यादा आपको स्टीम नहीं लेनी है। गर्म पानी पीजिए, ठंडा मत पीजिए। दोस्त जो आपको सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो आपको जरूर वीडियो कॉल करेंगे और आपका हालचाल पूछेंगे, वो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बस यहां पर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही क्रिएट करना है। कैसे भी करके आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेंगे, आप कोरोना को हरा देंगे 10 दिन के अंदर ही। वीडियोज देखिए अच्छी जो आपको मोटिवेट करें, ऐसी वीडियोस मत देखिए जो आपको ये बता रहे हैं कि संक्रमण बढ़ रहा है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। दूर करिए ऐसी चीजों को, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। बस आप गाना गा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, आप कुछ ऐसी चीज कर सकते हैं जो जिसको आप करने में अच्छा लगता है, आप पेंटिंग कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप पॉजिटिव एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं,
जो भी आप करना चाहें आप करें, घर से बाहर ना निकलें, दूसरों को इन्फेक्टेड ना करें, और हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्थिति बहुत ख़राब हो रही है, ये मैं सच बता रहा हूँ। बट आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें, डॉक्टरों ने ये बोल दिया है कि 10 दिन में 90% लोग ठीक हो रहे हैं, और विश्वास करिए अगर 4 लोगों को कोरोना है ना तो 3 तो ठीक ही होके घर वापस आ रहे हैं, तो आप ठीक नहीं हो सकते। 10 दिन के अंदर आप बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जैसे आप थे, और फिर आपको कोरोना कभी नहीं होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए, और डेडिकेटेड रहिए अपने गोल के प्रति, अपने गोल को लेके सोचिए, बुक्स पढ़िए, मूवीज़ देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।